नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा दोस्तों, यहां पर आपको 30 प्रश्न मिलेंगे हिंदी के, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न ही आने वाली UPTET एग्ज़ाम के लिए। साथ ही साथ दोस्तों, आप यहाँ पर आपका आकलन कर सकते हैं कि यदि आपके सामने इस तरीके से 30 प्रश्न आ जाएंगे तो आप उसको किस प्रकार से हल करेंगे, उसमें आप कितने नंबर आ सकते हैं। तो कमेंट्स के माध्यम से मुझे ज़रूर बताएगा कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा और आज के वीडियो में आपको कितने नंबर आए। और हर वीडियो में आपसे हम बता रहे हैं कि हमारे ऐप को यदि आपने डाउनलोड नहीं किया है टेट सक्सेस को, तो उसको भी आप वहां से यहां पर डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि आपको वहां पर जितने भी हम वीडियो बनाते हैं, जितनी भी हमारे पास जो PDF होती है, वहां सभी अवेलेबल आपको मिल जाएगी। वहां पर आपको क्यूज मिल जाएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएंगे, वन लाइनर क्वेश्चन मिल जाएंगे। तकरीबन आपको वहां पर 15,000 से ज्यादा प्रश्न मिलेंगे, जो कि किसी भी टेट एग्जाम, चाहे वो CTET हो, चाहे वो UPTET हो, या फिर अन्य टेट एग्जाम हो, उसको क्रैक करने के लिए काफी है। तो ऐप्स को डाउनलोड कर लीजिएगा, अपनी रेटिंग दे दीजिएगा और अपना सुझाव कमेंट्स के माध्यम से जरूर दीजिएगा कि वहाँ ऐप्स आपको कैसा लगा और उस ऐप्स में क्या क्या ऐड करने की आवश्यकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हिंदी का पहला प्रश्न है, आशयी शब्द का पर्यायवाची। यहाँ पर आपको आशयी शब्द का पर्यायवाची शब्द बताना है, क्या होगा, अपरिहार्य होगा, आहार होगा, तात्पर्य होगा या फिर आचल होगा। तो यहाँ पर आशयी शब्द का पर्यायवाची शब्द तात्पर्य होता है, यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। यहाँ पर आपको बताना है चार विकल्पों में से वह कौन सा शब्द है जिसमें उपसर्ग नहीं लगा हुआ है, प्रभाव, पराजय, अपवाद या फिर ओढ़ना। तो यहाँ पर ओढ़ना, ओढ़ना शब्द में उपसर्ग नहीं लगा हुआ है, प्रभाव, पराजय और अपवाद, इन तीनों में ही उपसर्ग लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पर फोर्थ वाला विकल्प हमारा सही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया था कि कौन से शब्द में उपसर्ग नहीं है, तो यहाँ पर ओढ़ना शब्द में उपसर्ग नहीं है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, अवसर का लाभ उठाना के लिए उपयुक्त है क्या है, बहती गंगा में हाथ धोना, अंगारों पर पैर रखना, आकाश पाताल एक करना या फिर फूले ना समाना। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर है, अवसर का लाभ उठाना के लिए जो उपयुक्त है वो बहती गंगा में हाथ धोना है, यहाँ पर पहला वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, ई प्रत्यय किस शब्द में नहीं है। यहाँ पर आपको बताना है वो कौन सा शब्द है जिसमें ई प्रत्यय नहीं लगा हुआ है, अलबेली, रंगीला, तेली या फिर माली। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा रंगीला, रंगीला शब्द में ई प्रत्यय नहीं है, यहाँ पर सेकंड वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। यहाँ अलबेली, तेली और माली, इन तीनों में ही ई प्रत्यय लगा हुआ है, यहाँ पर रंगीले शब्द में या फिर रंगीला शब्द में ई प्रत्यय नहीं लगा हुआ है, तो यहाँ पर सेकंड वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, व्याप्त में संधि है। यहाँ पर आपको व्याप्त शब्द में संधि बताना है क्या होगी। सबसे पहले तो आपको व्याप्त का संधि विच्छेद याद होना चाहिए, तभी आप इसकी संधि बता पाएंगे। तो यहाँ पर व्याप्त का जो संधि विच्छेद होता है वो वी प्लस आप्त होता है, वी प्लस आप्त से बनता है व्याप्त। अब आपको बताना है कि इसमें कौन सी संधि होगी, आयादि संधि, दीर्घ संधि, यण संधि या फिर गुण संधि। तो यहाँ पर जो व्याप्त है इसमें यण संधि होगी, यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, अन्याय का संधि विच्छेद होगा। यहाँ पर अब आपको अन्याय शब्द का संधि विच्छेद बताना है क्या होगा, अन प्लस यान होगा, अन्य प्लस अन्य होगा, अ प्लस न्याय होगा या फिर अन्या प्लस अन्य होगा। तो यहाँ पर अन्याय का जो संधि विच्छेद होता है वो अन्य प्लस अन्य होता है, अन्य प्लस अन्य से बनता है अन्याय। आपको पता चल गया कि अन्याय का संधि विच्छेद क्या होता है, अब आपको अन्याय में कौन सी संधि है इसके बारे में बताना है। चलिए मैं ही बता देता हूँ कि अन्याय शब्द में कौन सी संधि है। यहाँ पर अन्याय शब्द में दीर्घ संधि है, याद रखिएगा अन्याय शब्द में कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। यहां पर अगला प्रश्न है हमारा, वहां पढ़ता होगा इस वाक्य में वर्तमान काल के किस भेद की क्रिया प्रयुक्त है। यहां पर आपको बताना है वहां पढ़ता होगा इस वाक्य में वर्तमान काल के किस भेद की क्रिया प्रयुक्त है। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा वहाँ पढ़ता होगा वाक्य में संदिग्ध वर्तमान काल है। कौन सा वर्तमान काल है इसमें, संदिग्ध वर्तमान काल है, यहाँ पर सेकंड वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, पुस्तकालय शब्द में समास है। यहाँ पर आपको पुस्तकालय शब्द में समास बताना है, सरल सा प्रश्न है, आप सभी को पता होगा पुस्तकालय में कौन सा समास है। तो यहाँ पर जो पुस्तकालय शब्द है इसमें तत्पुरुष समास होगा, यहाँ पर सेकंड वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, वन में लगने वाली आग वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, जठराग्नि होगा, दावाग्नि होगा, विरहाग्नि होगा या फिर बड़वाग्नि होगा। तो यहाँ पर वन में लगने वाली आग के लिए जो एक शब्द होगा वो दावाग्नि होगा, यहाँ पर सेकंड वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है,
जो किए गए उपकार को मानता है। वाक्यांश के लिए एक शब्द है, फिर आपको एक शब्द बताना है जो किए गए उपकार को मानता है, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? कृतज्ञ होगा, उपकारी होगा, सुपात्र होगा या फिर कृपा पात्र होगा। तो यहाँ पर जो किए गए उपकार को मानता है इसके लिए जो एक शब्द होता है वो कृतज्ञ होता है। यहाँ पर पहला वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, सूर का अनेकार्थी शब्द नहीं है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, प्रश्न में पूछा गया है सूर का अनेकार्थी शब्द कौन सा नहीं है, विष्णु, माया, सूर्य या फिर वीर। तो यहाँ पर जो सूर का अनेकार्थी शब्द नहीं है वो माया नहीं है, यहाँ पर सेकंड वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, यथा समय में कौन सा समास है। यहाँ पर आपको यथा समय में समास बताना है कौन सा होगा, अव्ययी भाव होगा, कर्मधारय होगा, द्वंद्व होगा या फिर तत्पुरुष समास होगा। तो यहाँ पर यथा समय में अव्ययी भाव समास है, यहाँ पर पहला वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, ऋषि का स्त्रीलिंग है। यहाँ पर आपको ऋषि शब्द का स्त्रीलिंग बताना है क्या होगा, ऋषि पत्नी होगा, ऋषि होगा, ऋषिका होगा या फिर ऋषिणी होगा। तो यहाँ पर जो ऋषि का स्त्रीलिंग होता है वो ऋषिका होता है, यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। यहाँ पर आपको अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द को छांटना है, चार विकल्पों में से तीन विकल्प यहाँ पर आपको शुद्ध वर्तनी वाले दिख रहे हैं और एक विकल्प अशुद्ध दिख रहा है, उसी को आपको पहचानना है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा तीसरा, उज्ज्वल। जो उज्ज्वल लिखा हुआ है दोस्तों ये अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, उज्ज्वल कुछ इस प्रकार लिखा जाता है, उज्ज्वल। उज्ज्वल यदि यहाँ पर ये लिखा होता जो मैंने लिखा है तो ये शुद्ध वर्तनी वाला होता, पर इस प्रकार का नहीं लिखा हुआ है इसलिए ये अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, और अगला प्रश्न भी इसी प्रकार का है, यहाँ पर आपको शुद्ध शब्द छांटना है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द छांटना है चार विकल्पों में से। तो यहाँ पर जो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है वो जीजी विसा है, यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प हमारा सही रहेगा, बाकी पहला, दूसरा और चौथा जो तीन विकल्प है ये अशुद्ध वर्तनी, यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, हिंदी गद्य शिक्षण की पाठ्य योजना में उद्देश्य कथन आता है, पूर्व ज्ञान के पश्चात आता है, प्रस्तावना प्रश्न के पश्चात आता है, आदर्श वाचन के पश्चात आता है या फिर मौन वाचन के पूर्व आता है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर है हिंदी गद्य शिक्षण की पाठ्य योजना में उद्देश्य कथन प्रस्तावना प्रश्न के पश्चात आता है, किसके पश्चात आता है, प्रस्तावना प्रश्न के पश्चात आता है, यहाँ पर सेकंड वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, पहला गिरमिटिया उपन्यास के लेखक है, यहाँ पर आपको बताना है पहला गिरमिटिया उपन्यास के लेखक कौन है, अज्ञेय है, महिप सिंह है, गिरिराज किशोर है या फिर श्रीलाल शुक्ल है। तो यहाँ पर पहला गिरमिटिया उपन्यास के लेखक गिरिराज किशोर है, याद रखिएगा गिरिराज किशोर पहला गिरमिटिया उपन्यास के लेखक है और ये 2000 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी और इस उपन्यास पर व्यास सम्मान प्रदान किया गया था गिरिराज किशोर को, याद रखिएगा। यहाँ जो पहला गिरमिटिया उपन्यास इसके लेखक गिरिराज किशोर है, ये 2000 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी और इस उपन्यास पर व्यास सम्मान प्रदान किया गया था, इस बात को भी ध्यान में आपको रखना है, यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है, यहाँ पर आपको बताना है हजारी प्रसाद द्विवेदी का वो कौन सा निबंध है जो नहीं है, चार विकल्पों में से अशोक के फूल, कुटज, विचार प्रवाह या फिर व्रत और विकास। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर है व्रत और विकास, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध नहीं है, यहाँ पर फोर्थ वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। जब व्रत और विकास हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है तो ये किसका है, तो कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा व्रत और विकास ये किसका निबंध है, कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताइएगा, वहीं पर मैं आंसर बताऊंगा कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो यहां पर हमारा जो अगला प्रश्न है, परमाल रासो किसके द्वारा रचित है, यहाँ पर आपको बताना है परमाल रासो किसके द्वारा रचित है, नलह सिंह के द्वारा, नरपति नाला, चंद्रबरदाई या फिर जगनिक। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर है परमाल रासो जगनिक द्वारा रचित रचना है और इसे आलाखंड भी कहते हैं, याद रखिएगा परमाल रासो जगनिक द्वारा रचित रचना है और इसे आलाखंड भी कहते हैं, यहाँ पर फोर्थ वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी आत्मकथा है, हरिवंश राय बच्चन की है, नेहरू जी की है, रामविलास वर्मा की है या फिर प्रेमचंद की है। तो यहाँ पर क्या भूलूं क्या याद करूं ये हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित आत्मकथा है, यहाँ पर पहला वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है,
यशोदा हरिपाल ने झुलावे हलरावे दुलराय मलहावे जोई सोई कछु गावे, इस अवतरण में कौन सा रस ही आपको बताना है। इस अवतरण में कौन सा रस होगा, करुण रस, वात्सल्य रस, श्रृंगार रस या फिर शांत रस। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर है इस अवतरण में वात्सल्य रस है। कौन सा रस होगा, वात्सल्य रस होगा। यहाँ पर सेकंड वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, आदिकाल में पहेलियाँ लिखने वाले कवि थे। यहाँ पर आपको बताना है आदिकाल में पहेलियाँ लिखने वाले कवि कौन थे, जगनिक, खुसरो, सरप्पा या फिर गोरखनाथ। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर है आदिकाल में पहेलियाँ लिखने वाले कवि खुसरो थे। यहाँ पर सेकंड वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, सुनु सिंह सत्य आशीष हमारी पूज ही मन कामना तुम्हारी, प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है। आपको बताना है जो पंक्ति है इसमें कौन सा छंद होगा, सोटा, दोहा, बरवे या फिर चौपाई। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर है जो प्रस्तुत पंक्तियाँ हैं इसमें चौपाई छंद होगा। यहाँ पर फोर्थ वाला विकल्प हमारा सही रहेगा, चौपाई छंद है इस प्रस्तुत पंक्ति में। यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो फोर्थ वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, पाय महावर देन को नाइन बेठी आए, फिर जानी महावरी एड़ी मिड़त जाए, इस पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। अब आपको इस पंक्ति में अलंकार बताना है कौन सा होगा, अतिशयोक्ति होगा, संदेह होगा, भ्रांतिमान होगा या फिर प्रतीप होगा। तो यहाँ पर हमारा साइट आंसर है इस पंक्ति में भ्रांतिमान अलंकार है। कौन सा अलंकार होगा, इस पंक्ति में भ्रांतिमान अलंकार होगा। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, और काफ़ी बार इस प्रश्न को पढ़ा होगा क्योंकि काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, श्री गणेश का विलोम। यहाँ पर आपको श्री गणेश का विलोम बताना है क्या होगा, अत होगा, इतिश्री होगा, अंत होगा या फिर समापन होगा। तो यहाँ पर श्री गणेश का जो विलोम शब्द होता है वो इतिश्री होता है। यहाँ पर सेकंड वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, ज और धा का उच्चारण स्थान है। यहाँ पर आपको ज और धा का उच्चारण स्थान क्रमशः बताना है क्या होगा। तो यहाँ पर जो ज का उच्चारण स्थान है वो तालव्य है और धा का उच्चारण स्थान दंतई है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो फोर्थ वाला रहेगा, ज और धा का उच्चारण स्थान क्रमशः तालव्य और दंतई है। यहाँ पर फोर्थ वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, किस वाक्य में अपादान कारक है। यहाँ पर आपको बताना है किस वाक्य में अपादान कारक है, बच्चे बस से विद्यालय जाते हैं, 1 अप्रैल को परीक्षा होगी, गंगा हिमालय से निकलती है या फिर राम ने 2 लाख रुपयों से व्यापार शुरू किया। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर है गंगा हिमालय से निकलती है वाक्य में अपादान कारक है। यहाँ पर हमारा तीसरा वाला विकल्प सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य में क्रिया का भेद लिखिए, वहाँ खाना खा रही है सकर्मक क्रिया है, अकर्मक क्रिया है, प्रेरणात्मक क्रिया है या फिर द्विकर्मक क्रिया है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर है वहाँ खाना खा रही है वाक्य में सकर्मक क्रिया है। कौन सी क्रिया है, सकर्मक क्रिया है। यहाँ पर पहला वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, किस क्रम में नीरज नीरुज शब्दों का सही अर्थ भेद है। यहाँ पर किस क्रम में आपको बताना है नीरज और नीरुज शब्दों का सही अर्थ भेद है। तो यहाँ पर हमारा जो नीरज है, नीरज का जो सही अर्थ होता है वो कमल होता है और नीरुज का जो सही अर्थ होता है वो रोग रहित होता है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा पहला, नीरज का अर्थ कमल होता है और नीरुज का अर्थ होता है रोग रहित। तो यहाँ पर पहला वाला विकल्प हमारा सही रहेगा, यहाँ शब्दों का सही अर्थ होता है कमल और रोग रहित। चलिए अगला और लास्ट प्रश्न है, कौन सा वाक्य शुद्ध है। यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कौन सा वाक्य आपको शुद्ध लग रहा है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर है मोहन और गीता गा रहे हैं। यहाँ पर मोहन और गीता गा रहे हैं, यह वाक्य शुद्ध है। तो यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। और यहीं पर हमारे जो 30 प्रश्न थे हिंदी के वो यहीं पर समाप्त होते हैं। आज के वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ हमारे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएगा। और यदि हमारा वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को दबाई दे दीजिएगा जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो मिलते रहे। और अभी तक हमारे आपने ऐप स्टेट सक्सेस को डाउनलोड नहीं किया है तो उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पर जाकर आप ऐप्स को डाउनलोड कर लीजिएगा, अपनी रेटिंग दे दीजिएगा और अपना सुझाव जरूर दीजिएगा कमेंट्स के माध्यम से कि वहां ऐप्स आपको कैसा लगा और उसमें क्या क्या ऐड करने की आवश्यकता है। तो जल्द ही दोस्तों एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।